Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. If p is equals to 2q minus 1, q is equals to 5 minus 3p, then find the values of p and q. So हमें क्वेश्चन में गिवन है p equal to है 2q minus 1, q equal to है 5 minus 3p, तो हमें p and q की वैल्यू को फाइंड करना है. तो गिवन p equal to 2q minus 1 and q is equals to 5 minus 3p, तो हमें फाइंड करना है टू फाइंड वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू. सो हमें पी की वैल्यू को एंड क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है. सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन से हमारे पास पी इक्वल टू 2q माइनस 1, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन है 5 माइनस 3p, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है p इक्वल टू 2q माइनस 1, इसको मैं पुट इसकी जो p की वैल्यू है इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. तो यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 एंड p की वैल्यू है 2q माइनस 1. देयरफॉर q इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 3 टू जा 6 और मल्टीप्लाई में q, तो 6q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3. एंड यहाँ पर अब मैं q को ले जाता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा q प्लस 6q इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 होता है 8, q प्लस 6q होता है 7q, इक्वल टू आ जाएगा 8, एंड हैं q की वैल्यू आ जाएगी 8/7. सो अब मैं इस q की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा. सो पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट है p इज इक्वल्स टू 2q माइनस 1, सो देयरफॉर p इक्वल टू जाएगा 2 इंटू q की वैल्यू है 8/7 माइनस 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा p इक्वल टू 2/8 16/7, यहाँ पर माइनस 1. यहाँ पर डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ. अब मैं इनके यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर में एंड 7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16/7 माइनस 7/7. अब यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख देता हूँ 16 माइनस 7/7. तो यहाँ पर p की वैल्यू आ गई 16 माइनस 7 होता है 9, सो 9/7 इज द आंसर. सो हैंस वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 9/7 एंड q इज इक्वल्स टू 8/7. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.